मेरे खिलाफ कमिश्नर को शिकायत किसने की? मुझे नहीं पता। इस मोहल्ले से कौन कौन सा बच्चा स्कूल जाता है? सबको मेरे सामने लाओ। सुनो, जल्दी बताओ किसने शिकायत की, वरना मार डालूंगा। मेरे साथ और कोई भी स्कूल जाता है क्या? हाँ, मेरी दीदी विद्या भी जाती है। क्या कहा विद्या? कौन है ये विद्या? क्या किया तूने? पापा मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई शिकायत नहीं की। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई शिकायत नहीं की। सच बता देना। तूने नहीं किया तो किसने शिकायत की? पता है कितना बड़ा गुंडा है वो? लोगों के सामने खत लिखा है उसने। उसने गुरु को कितनी बुरी तरह से पीटा था, ये बात भूल गई और शिकायत कर रही है उसकी। पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन नहीं। झूठ बोल रही है, बेशर्म कहीं। माँ, तुम तो मेरा यकीन करो, मैं शिकायत क्यों करूंगी? माँ, मैं आपकी कसम खाती हूँ। मेरी झूठी कसम खाती है? आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे तो मेरा यकीन कौन करेगा? पापा, आखिर मैं उसकी शिकायत क्यों करूंगी? विद्या, तू बाहर आती है या मैं अंदर आऊं? ईश्वर, अगर वो अंदर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अभी बाहर चलकर उसके पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। बेटा, चलो उससे माफी मांग ले। मांग ले माफी। वो मुझे मार डालेगा। चलो आप मुझे छोड़ दीजिए। नहीं पापा, प्लीज मुझे मत लेकर जाइए। मैं नहीं जाऊंगी पापा। चल बेटा, चल चल चल, माफी मांग ले। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। पापा, मैंने नहीं लिखा वो खत, मेरी कोई गलती नहीं है। छोड़ दीजिए मुझे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बेटा। मेरी बेटी से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। छोड़ दीजिए, माफ कीजिए भाई। मेरी शिकायत करती है, तेरी इतनी जरूरत, इन्हीं उंगलियों से खत लिखा था ना तूने? इस मोहल्ले की औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती, यही लिखा था ना तूने? मैंने किसी को छेड़ा क्या? किसी के साथ बलात्कार किया? अरे बोलती क्यों नहीं? बोल, अरे बोल ना, बोलती क्यों नहीं? खून करने के बाद भी मुझे कोई जेल नहीं भेजता। यहाँ तो मैंने कुछ किया भी नहीं। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा मुझसे। यहाँ कोई माई का लाल है जो आकर तुझे छुड़ा कर दिखाए? देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। बुलाते हैं भाई को, अभी दिखाता हूँ तुझे, अब पूरा मोहल्ला देखेगा। लड़की को पकड़ कर ले आओ। भैया, प्लीज कुछ तो करो। भैया मुझे बचा लो। Let's go.
इन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाओ और इसे पुलिस थाने लेकर के चलो, चलो जल्दी। अरे लेकिन गलती तो इस गुंडे ने की है, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? मैं पुलिस थाने में बोल रहा हूँ। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल गलत है ये। चलो सब आओ। दिव्या, जहां मुजरिम रहते हैं वहां आज एक आईपीएस ऑफिसर। अरे रो क्यों रही हो? I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। उस गुंडे की शिकायत मैंने की थी, मेरी वजह से हुआ। क्या कहा? शिकायत तुमने की थी? हाँ, उस दिन उस गुंडे ने तुम्हें पीटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बिना नाम लिखे मैंने शिकायत कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। बिना नाम लिखे शिकायत कर दी तुमने? अरे सीधे अपना नाम लिख देती ना, आगे से अगर शिकायत करनी हो ना तो मेरा नाम लिख कर डाल देना, समझे? बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ तुम। अरे रे 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 रे, पार्क छोड़कर, बीच छोड़कर, थिएटर छोड़कर अब पुलिस स्टेशन में रोमांस करोगे? इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाम दो, कोर्ट से इजाजत लेकर आई हूँ, पहले इन्हें बाहर निकालिए। वकील साहब। ये ले, इस पे दस्तखत करके छोड़ दे इसे, मुझे सिखाएंगे। ये नमूना कौन है? एक तो पहले ही मार खा के हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, एक और भर्ती होने आ गया है क्या? सुन गुरु, भाई ने तुझे मिलने के लिए बुलाया। तू मिलाना, अब दफा हो। तेरे केस के मामले में भाई तुझसे बात करना चाहते हैं, इसलिए बुलाया है। भाई के पैर में मेहंदी लगी है, यहाँ खुद आकर मिलने में क्या तकलीफ है? देखकर तो मैं पिघल ही जाता हूँ। भाई यही है वो गुरु